कैबिनेट में मेरे सहयोगी पीयूष गोयल जी, दर्शना चरदोस जी, विभिन्न देशों के एम्बेसडर्स, सीनियर डिप्लोमेट्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑफिसर्स, फैशन और टेक्सटाइल वर्ल्ड से जुड़े सभी साथी, युवा एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, हमारे बुनकर और हमारे कारीगर साथी, देवी और सज्जनों, आप सभी का भारत मंडपम में हो रहे भारत टैक्स में अभिनंदन। आज का यह आयोजन अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ये एक साथ भारत के सबसे बड़े दो एग्जीबिशन सेंटर्स, भारत मंडपम और यशोभूमि, एक साथ दोनों में हो रहा है। आज 3000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 100 देशों के करीब 3000 खरीदार, 40,000 से ट्रेड रजिस्टर एक साथ इस आयोजन से जुड़े हैं। ये आयोजन टेक्सटाइल इकोसिस्टम के सभी साथियों और पूरी वैल्यू चेन के लिए, उन लोगों को एक साथ मिलने का प्लेटफॉर्म दे रहा है। साथियों, आज का यह आयोजन सिर्फ एक टेक्सटाइल एक्सपो भर नहीं है। इस आयोजन के एक सूत्र से कई चीजें जुड़ी हुई है। भारत टैक्स का यह सूत्र भारत के गौरवशाली इतिहास को आज की प्रतिभा से जोड़ रहा है। भारत टैक्स का यह सूत्र टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशंस के संग पिरो रहा है। भारत टैक्स का यह सूत्र स्टाइल, सस्टेनेबिलिटी, स्केल और स्किल के साथ इन सबको एक साथ लाने का सूत्र है। जिस तरह एक लूम कई धागों को एक साथ जोड़ता है, उसी तरह ये आयोजन भारत और विश्व के धागों को भी एक साथ जोड़ रहा है। और मैं अपने सामने देख रहा हूं, ये स्थान भारत के विचारों की विविधता और एक सूत्र में जोड़ने वाली सांस्कृतिक एकता का भी स्थल बन गया है। कश्मीर की कानी शॉल, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, जरदोजी, बनारस सिल्क, गुजरात का पटोला और कच्छ की कढ़ाई, तमिलनाडु का कांजीवरम, ओडिशा की संबलपुरी और महाराष्ट्र की पैठनी, ऐसी अनेक परंपराएं अपने आप में बहुत अनूठी है।
मैंने भी भारत की पूरी वस्त्र यात्रा को दर्शाती एग्जीबिशन को देखा है। ये एग्जीबिशन दिखाती है कि भारत के टेक्सटाइल सेक्टर का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, उसका सामर्थ्य कितना ज्यादा रहा है। साथियों, आज यहां टेक्सटाइल वैल्यू चेन के अलग अलग सेगमेंट से जुड़े स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। आप भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को भी समझते हैं, हमारी एस्पिरेशंस और चैलेंजेस से भी परिचित हैं। यहां बड़ी संख्या में हमारे बुनकर साथी हैं, कारीगर साथी हैं, जो जमीनी स्तर पर इस वैल्यू चेन से जुड़े हैं। कई साथियों का तो इसमें अनेक पीढ़ियों का अनुभव है। आप जानते हैं कि भारत ने आने वाले 25 साल में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। विकसित भारत के चार प्रमुख स्तंभ हैं: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर इन चारों, यानी गरीब, युवा, किसान और महिलाएं, सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत टेक्स ऐसे इस आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में काम कर रहे हैं। हम ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, टैलेंट और ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं। हमारी जो पारंपरिक विधाएं हैं, इनको आज के फैशन की डिमांड के हिसाब से कैसे अपडेट किया जाए, डिजाइन को कैसे नयापन दिया जाए, इस पर बल दिया जा रहा है। हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को 5F के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद जब तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा, 50 लोग होंगे जो आपको बार बार 5F सुनाते रहेंगे। इसलिए भी आपको कंठस्थ हो जाएगा, और वहां जाएंगे एग्जीबिशन में तो वहां भी बार बार 5F आपके सामने आएगा। ये 5F की यात्रा फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, एक प्रकार से पूरा दृश्य हमारे सामने। 5F के इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम किसान, बुनकरों, एमएसएमई, एक्सपोर्ट्स सभी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए हमने कई अहम कदम उठाए हैं। हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के लिहाज से एमएसएमई की परिभाषा में भी संशोधन किया है। इससे उद्योगों का स्केल और साइज बड़ा होने के बाद भी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम की है। देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। ये योजना आप जैसे साथियों के लिए कितने बड़े अवसर लेके आने वाली है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। कोशिश यही है कि वैल्यू चेन से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम एक ही जगह पे तैयार हो, जहां एक मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को
प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ आपको उपलब्ध कराया जाए। इससे ना सिर्फ स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेंगे बल्कि लॉजिस्टिक उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। साथियों, आप जानते हैं कि टेक्सटाइल और एपरल सेक्टर देश में बड़ी संख्या में रोजगार देता है। इसमें फार्म से लेकर एमएसएमईज और एक्सपोर्ट तक अनेक रोजगार बनते हैं। इस पूरे सेक्टर में रूरल इकोनॉमी से जुड़े लोगों और महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी होती है। परिधान बनाने वाले हर 10 साथियों में से 7 महिलाएं हैं और हैंडलूम में तो इससे भी ज्यादा है। टेक्सटाइल के अलावा खादी ने भी हमारे भारत की महिलाओं को नई शक्ति दी है। मैं ये कह सकता हूं कि बीते 10 वर्षों में हमने जो भी प्रयास किए उसने खादी को विकास और रोजगार दोनों का साधन बनाया है। यानी खादी गांवों में लाखों रोजगार बना रही है। बीते 10 वर्षों में सरकार ने गरीब कल्याण की जो योजनाएं बनाई है, बीते 10 वर्षों में देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं, इससे हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को काफी लाभ मिला है।